नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। गाइस, आयशर मोटर इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, नंबर्स करोड़ में हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, और उसमें बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स की। 3844 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर में 3770 करोड़ था और एक साल पहले 3204 करोड़ थे। बात करें अदर ऑपरेटिंग इनकम की, तो ये 56 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 61.18 था और एक साल पहले दोस्तों 43.64। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको यहाँ पे 3901 करोड़ रुपये मिलेगा, जो पिछले क्वार्टर में 3831 था और एक साल पहले दोस्तों 3247 करोड़। और अदर इनकम को जोड़ लेंगे तो ये पूरी तरह से इनकम, टोटल इनकम कंपनी की निकल के आएगी 4236 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4033.90 करोड़ थे और एक साल पहले दोस्तों 3340 करोड़ थे। यानी ईयर ऑन ईयर तो बहुत शानदार जंप है ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं खर्चों ने क्या हाल किया है। तो देखिए, अगर आप एक्सपेंसेस में देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपनी कंज्यूम में 2216 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1894 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 1971 करोड़ रुपीज़ था। ठीक है, अब देखते हैं भाई इन्वेंट्रीज का क्या हाल चाल है। 73 करोड़ रुपये की दोस्तों पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ का घाटा था यानी खर्चा था और एक साल पहले दोस्तों ये 162 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 270.95, माफ कीजिएगा, जो पिछले क्वार्टर में 233 करोड़ थी और एक साल पहले 232 करोड़ थी। और अब देखते हैं अदर एक्सपेंसेस, 406 करोड़ रुपए का अदर एक्सपेंस है, जो पिछले क्वार्टर में 465 करोड़ रुपए का ज़्यादा का था और एक साल पहले दोस्तों 365 से ज़्यादा करोड़ का था। ठीक है, आप इन सबको जोड़ लें, टोटल खर्चा निकल के आएगा दोस्तों 3027 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3032 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 2576 करोड़ रुपीज़ थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम खर्चा है, ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो थोड़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखता है 1209 करोड़ रुपए का, जो पिछले क्वार्टर में 1001 करोड़ था और एक साल पहले मात्र 764 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी जंप है। तो मैं कहूँगा जो एक डर था ना, उसको करारा जवाब देते हुए कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किए हैं वो अपने आप में बहुत शानदार है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे 920 करोड़, पिछले क्वार्टर में 750 करोड़ के आसपास था, एक साल पहले 561 करोड़। EPS 27.26 थी, जो एक क्वार्टर पहले थी, बढ़ करके 33.34 हो गई है, एक साल पहले मात्र 21.19 थी, वो बढ़ करके 33.34 हो गई है। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत शानदार नंबर है दोस्तों, और कल इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी शायद आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटी सी एनालिसिस थी जो आपके शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।